नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। अगर आप लोग भी बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में जानते हैं तो अच्छी की बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा। अब देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना में जो है सेशन 2023 और 24 में जो है लगभग 2 लाख आवेदन हुआ था, लेकिन जिसमें 50,000 व्यक्ति का चयन किया गया है और उसमें जो है 40,000 व्यक्ति को पेमेंट आ चुका है। अब जो है मान लेते हैं काफी सारे लोग जो है इसके बारे में जान चुके हैं, दोबारा आवेदन भी इसमें करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग को ये बताने वाले हैं कि इसका दोबारा आवेदन जो होगा भाई साहब वो कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग को देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर पहले वाला है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं पीसी स्क्रीन पर, वहां पर ले जाकर हम आप लोग के साथ ए टू जेड जानकारी को शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले जो है आप ये चीज समझ लीजिए कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट वो क्या क्या होना चाहिए, ताकि जब इसमें अप्लाई हो तो आपके दिमाग में ये ना चले कि यार ये चीज हमको पहले पता चल जाता तो ये डॉक्यूमेंट हम बनवा लेते। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, हम आपको कह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप पहले डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो आपका 70,000-72,000 से कम का ही बनता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो वो जानकारी आप पहले ही प्राप्त कर लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। तो देखिए, आपको जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा, जिसमें आप लोग का आयु जो आयु से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट एक देना पड़ेगा, जैसे कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, या फिर जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, या फिर पैन कार्ड दे दीजिए, या फिर आधार कार्ड दे दीजिए। ये चारों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिसमें आप लोग का आयु जो है वो मेंशन होना चाहिए। और दूसरा जो है आपके पास आधार कार्ड, तो ये मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना ही चाहिए। और थर्ड में जो है आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, तो ये चीज आपको पता चल गया है तो आप आज ही जाकर के जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए। और उसके बाद जो है आपको निवास प्रमाण पत्र आपको एक देना पड़ेगा, जो कि ब्लॉक लेवल से बना होना चाहिए। आप ब्लॉक लेवल से बनवा लीजिएगा निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है आपको एक जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। अब ये मत सोच लीजिएगा कि भाई साहब हम जनरल से हैं, इधर हैं उधर हैं, तो वो सब नहीं चलने वाला है, आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। अब उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र, ये बड़ा समस्या है कि आपको 6,000 प्रति माह का जो है आय बनवाना होगा, सालाना का साल का जो है वो 72,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, तो आप जाकर के पहले ही आज ही बनवा लीजिए ब्लॉक लेवल से। ये चीज आपका होना मैंडेटरी है, इसके बिना जो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग जाकर के बनवा लीजिएगा अपना इनकम सर्टिफिकेट आज ही, क्योंकि इसमें भागदौड़ ज्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज आपको पता चल गया तो ये आप बनवा लेंगे। उसके बाद जो है बैंक से संबंधित आपको एक पेपर देना होगा, जैसे आप बैंक पासबुक दे दीजिए या फिर कैंसिल चेक दे दीजिए, अदरवाइज आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जिस पर आप लोग का खाता संख्या और IFSC कोड जो है वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको एक हस्ताक्षर देना होगा और फोटो जो है वो लाइव फोटो होगा, क्योंकि इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो लाइव फोटो ही लिया जाता है, तो आपको लाइव फोटो वो अप्लाई करते वक्त आपको अटैच करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो अगर कोई दिव्यांग है तो वो अपना दिव्यांग का प्रमाण पत्र देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है वो सबसे मेन बात हम आपको बता रहे हैं, ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, जब आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करेंगे ना, तो आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी ना हो, अगर हुआ तो खेल खत्म भैया। उसके बाद परिवार में जो है कोई एक व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन करेंगे और एक व्यक्ति का ही चयन होगा। ठीक है, ये भी हम आपको क्लियर बता दिए। अब उसके बाद अगर आप लघु उद्यमी योजना का लाभ अगर आप अभी ले रहे हैं, यानी कि लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपया ही मिलता है ना, अगर आप ये अभी 2 लाख रुपया ले लेते हैं लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, तो इन फ्यूचर आपको उद्यमी योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, जिसमें आपको 10 लाख दिया जाता है, 5 लाख जो है वो माफ हो जाता है। ठीक है, 5 लाख माफ हो जाता है, 10 लाख लोन दिया जाता है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, कभी भी नहीं। अगर आप उद्यमी योजना का लाभ पहले से ले लिए हुए हैं, 10 लाख वाला में अप्लाई करके लाभ ले लिए हैं, तो आप लघु उद्यमी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप पहले 10 लाख रुपया ले लिए हैं तो अभी आप 2 लाख के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नोटिफिकेशन में कहा गया है वो हम आपको क्लियर बता दिए हैं। तो ये आपका हो गया टर्म एंड कंडीशन इस योजना के लिए। अब देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग पहले भी देखे होंगे। अब देखिए क्या हुआ है कि इस बार जो आप लोग को जो का बजट जो है वो 1,000 करोड़ रुपया है। पहले जो था 2023-24 में आप लोग का 250 करोड़ ही जो है मतलब बजट दिया गया था, लेकिन 2024 और 25 में जो है आप लोग का 1,000 करोड़ का जो है बजट दिया गया है। तो इस बार मान लेते हैं कि इस बार जो है मतलब 50,000 व्यक्ति का चयन हुआ है, 2024 और 25 में जो मतलब सिलेक्शन होगा वो करीब 2 लाख व्यक्ति का जो है वो चयन होगा, 2 लाख व्यक्ति का 2024-25 के सेशन में जो अप्लाई होगा उसमें 2 लाख व्यक्ति का चयन होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि भाई साहब इसका आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि
ये चयन मात्र इस वर्ष के लिए है और इसके बाद अगला वर्ष जो अप्रैल से चालू होगा 2024-25 इसमें पुनः इसी तरह से लाभान्वितों का चयन ज्यादा संख्या में किया जाएगा। अभी जो हमने वित्तीय राशि रखी है उससे ज्यादा राशि अगले साल उपलब्ध होगी। इस साल के बजट में हम लोगों ने 250 करोड़ रुपए की राशि रखी थी 50,000 लोगों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे और अगले वर्ष हमने अभी 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है इस योजना के लिए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अगर अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसे दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आवेदन जो है वो आप लोग का अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिएगा, फिट रहिएगा। जो भी हम आप लोग को डॉक्यूमेंट बताए हैं बना करके रेडी रख लीजिएगा, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करके आपको रख लेना है और जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे कि आप लोग को किस प्रकार से अपना खुद से फॉर्म को भरना है लघु उद्यमी योजना के लिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमेशा हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।